सदियों से जिसके ऊपर अत्याचार होता रहा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुसंख्यक है, जो यहां पर मूल निवासी है, आज कांग्रेस पार्टी में जो 50% इस बहुजन समाज को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि एक नई क्रांति का एक आगाज होगा। जो जातिगत उत्पीड़न होते हैं उसके शिकार हमारे जो छात्र होते हैं उसको रोकने के लिए जो भी हमारे कांग्रेस के स्टेट्स हैं जहां पर सरकारें हैं वहां पर रोहित वेमुला एक्ट इमीडिएटली वहां पर लागू होना चाहिए। अयोध्या के मंदिर में जब शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया जाता है तो कोविंद को नहीं किया जाता बल्कि देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किया जाता है। मैं आज जो हमारा प्रस्ताव सामाजिक न्याय के लिए यहां पर है मैं उसका समर्थन में खड़ा हुआ हूं और ये कहना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खारगे जी के अध्यक्षता में जो यहां पर एक मौका दिया है उस वर्ग को जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित, सदियों से जिसके ऊपर अत्याचार होता रहा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुसंख्यक है, जो यहां पर मूल निवासी है, उसको जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सामाजिक न्याय सही मायनों में आज कांग्रेस पार्टी में जो 50% इस बहुजन समाज को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि एक नई क्रांति का एक आगाज होगा। इसको लागू करने के लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनना चाहिए। यहां पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन जो हम लोग पूरे देश में हमने शुरू किया है उसके अंदर नए नए नौजवानों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हम चिन्हित करें, उनको पहचाने ताकि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। यहां पर ये मौका अगर इस समाज को मिलेगा तो मैं समझता हूं कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मौका मिला तो उन्होंने कलम उठाई और संविधान लिख दिया और उसके अंदर बराबरी लिख दी। भीमा कोरे गांव में जो सदियों से अत्याचार हमारे समाज के ऊपर होता रहा उनको मौका मिला अपने स्वाभिमान से जीने का, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने का, तो उन्होंने तलवार उठाई और 500 महारों ने 28,000 उन मनुवादियों को धराशे किया। मैं दर्शन सोलंकी का जिक्र करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, रोहित वेमुला का, ताड़वी पयाल का, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एट्रोसिटीज होती हैं, जो जातिगत उत्पीड़न होते हैं उसके शिकार हमारे जो छात्र होते हैं उसको रोकने के लिए जो भी हमारे कांग्रेस के स्टेट्स हैं जहां पर सरकारें हैं वहां पर रोहित वेमुला एक्ट इमीडिएटली वहां पर लागू होना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लागू होना चाहिए ताकि वहां पर यह अत्याचार खत्म हो जाए। साथियों, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और खारगे जी और राहुल गांधी जी सीधे तौर पे जिस तरीके से आरएसएस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं, आरएसएस जिस तरीके से हमारी पहचान को खत्म करना चाहती है, जो आदिवासी को वनवासी बनाकर उसकी पहचान खत्म करना चाहती है, राहुल गांधी जी ने सही मायनों में जिस तरीके से उसका डेफिनेशन दिया कि हम यहां के मूल निवासी हैं, हम जिस देश के मालिक हैं। बीजेपी कन्फर्मिटी इन यूनिफॉर्मिटी की बात करती है, कांग्रेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करती है। ये लोग कोविंद को और मुर्मू को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। कोविंद देश के प्रेसिडेंट जरूर बनते हैं लेकिन उनको पुश करके मंदिर के सीढ़ियों पर खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। अयोध्या के मंदिर में जब शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया जाता है तो कोविंद को नहीं किया जाता बल्कि देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किया जाता है। घुमंतु अर्धघुमंतु विमुख जाति के लिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ध्यान दे और इसके लिए इनको फ्रंटल
ऑर्गेनाइजेशन में लाए, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने 100 करोड़ डेवलपमेंट के लिए डीएनटीस के लिए दिया, जहां पर और सरकार है उसके लिए भी हम लोगों को एक स्पेशल प्लान देना चाहिए। SC ST सब प्लान पूरे देश के अंदर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पे मजबूत तरीके से लगे। सफाई कर्मचारियों के लिए उनको जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर उनको रेगुलराइज किया जाए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए जाए, मेडिकल सिक्योरिटी दी जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए, और मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट है जो UPA लेकर आया था उसको सख्त तरीके से लागू किया जाए। एट्रोसिटीज की बात के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एट्रोसिटीज कहीं भी हो उसके लिए हमारी सरकार को मजबूत तरीके से उनको कंपनसेशन देना चाहिए और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे, जय भीम जय भीम जय भीम जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।